करेगा। मेरी बीमारियों को देखिए मखदूम सिमनानी, मेरी बीमारियों को देखिए मखदूम सिमनानी, परेशान होकर अब कीजिए मखदूम सिमनानी। दवाएं जितनी होती है मरस बढ़ता ही जाता है, दवाएं जितनी भी होती है मरस बढ़ता ही जाता है, तो पहले पंत तक कुछ दीजिए मखदूम सिमनानी। हेलो पीछे वाले बड़ी मुश्किल
सुभानअल्लाह माशाल्लाह, ये थी गैबा खानम अशरफी जो अपनी मनकबत से हम सभी सामईन और सामयान को नवाज रही थी। अब इसके बाद मैं तकरीब पेश करने के लिए मधु करती हूँ सैयदा कनीस फातिमा अशरफी को कि वो आए और तकरीब पेश करें। दरबारे मुस्तफ़ा का करीना कुछ और है, दरबारे मुस्तफ़ा का करीना कुछ और है, मरना यहाँ का और है, जीना कुछ और है। काबा खुदा का घर है रियाज़े खलील भी, काबा खुदा का घर है रियाज़े खलील भी, लेकिन खुदा गवाह है मदीना कुछ और है। الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عشق نبي میں करिश्मा दिखाई दे, इश्के नबी में ऐसा करिश्मा दिखाई दे, देखे जिधर रसूल का रोजा दिखाई दे। मेरा रसूल जो यक्ता दिखाई देता है, मेरा रसूल जो यक्ता दिखाई देता है, मकामे अर्श पे तन्हा दिखाई देता है। नबी के हुस्न में किरदार में जवाब नहीं, नबी के बर्तरी आ
دریائے خلوص و محبت. حضور اشرف الامام ابو الحسن صدیق محمد اشرف اشرفی جیلانی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام مفتیان کرام اور مرکزی صدر اور صوبہ کرناٹک کے صدر اور تمامی حضرات سے میں گزارش کرتی ہوں کہ میرے آنے والے جملوں پر توجہ دیں اور دعاؤں سے نوازیں. جس کو چاہے کچی گوڑ حال میں ہو, جس کو چاہے الجامعۃ الاشرفیہ فتیجۃ الکبریٰ للبنات کے سالانہ اجتماع میں ہو, جس کو چاہے ہبلی میں ہو, جس کو چاہے دھارواڑ میں ہو, جس کو چاہے بنگلور میں ہو, جس کو چاہے میسور میں ہو, جس کو چاہے کرناٹک میں ہو, جس کو چاہے گجرات میں ہو, جس کو چاہے مدھیہ پردیش میں ہو, جس کو چاہے آندھرا پردیش میں ہو, جس کو چاہے آسٹریلیا میں ہو, جس کو چاہے ہمت نگر میں ہو, جس کو چاہے دنیا, جس کو چاہے دنیا کے کسی گوشے میں ہو, جس میں کہیں بھی ہو, لیکن ایمان والوں کا دل اور عاشقوں کا دل تو مدینے میں ہے. سامعین و سامعات, بد نصیب شخص انکار کرتا ہے,
अगर उस जगह अबू बकर सिद्दीक होते तो सर खम कर देते, फारूक आजम होते तो मान जाते, माने गनी होते तो तस्लीम करते, अली के मुर्तजा होते तो मान जाते, आशिकाने मुस्तफा में से अगर कोई होता तो सर खम कर देता। इसलिए कि आए तो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम ये खजूर का दरख्त अबू तो जाना को दे दो और उसके इवज जन्नत में हफ्ते तक खजूर के दरख्त ले लो। आका फरमा रहे हैं कि जन्नत में हफ्ते तक खजूर के दरख्त ले लो, घर पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैंने एक खजूर का दरख्त अबू दुजाना को देने का वादा किया हूं। तो उसकी बीवी कहने लगती है, कैसे देंगे, खजूर का दरख्त तो हमारे शहर में मौजूद है, अबू दुजाना को देंगे तो कैसे। दोनों मियां बीवी गुफ्तगू खत्म करके रात में सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो क्या देखते हैं, वो खजूर का दरख्त अबू दुजाना के शहर में लगा हुआ है। मेरी इस्लामी बहनें, मौदब बेटिए, बादब बेटी है, इस बस्त में बादब बेटिए, अब मैं आपको कुछ दारुल उलूम की अजमत बरकत के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक मर्तबा एक नौजवान शख्स अपने मरहूम वालिद को ख्वाब में देखता है कि वो परेशान और रंजीदा होते हैं। तो उस वो मरहूम वालिद उस बेटे को कहते हैं, बेटा मैं रंजीदा हूँ और कब्र के अज़ाब में मुब्तिला हूँ, जाकर बारगाह रसूल पाक में अर्ज करना और मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना। तो नौजवान बारगाह रसूल पाक में जाकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद कब्र के अज़ाब में मुब्तिला हैं। तो हुजूर रसूल पाक तामुल फरमाते हैं और पूछते हैं, क्या तेरे वालिद कभी मेरे मदरसे के पास से गुजरे थे। तो वो नौजवान कहता है, हाँ एक मरतबा मदरसे के लिए कुछ सामान लेकर गए थे। तो ये सुनकर हुजूर गौसे पाक खामोश रहते हैं तो नौजवान चला जाता है। दूसरी रात अपने वालिद को देखता है कि खुशी खुशी उमदा लिबास पहने हुए अपने बेटे से कहते हैं, ये मेरे बेटे गौसे पाक का मुझ पर करम हो गया है, अल्लाह ताला ने मुझ पर से खबर का अजाब उठा लिया। तो मेरे इस्लामी बहनों, गौसे पाक के दारुल उलूम का ये आलम है तो औलाद गौसे आजम का क्या आलम होगा। इनकी जामिया में इनकी सरपरस्ती में रहकर दर्स व तदरीस के खिदमत अंजाम देना और यहाँ रहकर इल्म दीन हासिल करना, तो इसकी इतनी बड़ी अजमत और शान होगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका साथ कोई मामूली साथ नहीं है, इनका दामन कोई मामूली दामन नहीं है, दामन हुजूर अशरफुल उलमा, दामन शेखुल इस्लाम है।
address will be on us. Just because, due to the presence of successor of Ghaus e Azam رضي الله تعالى عنه, and a son of Ghaus ul Alam, and a glorious of proud of Fatima رضي الله تعالى عنها, and loveliest of Abdul Razak Murland, and a founder of Al Jamiat al Ashrafiya Khadijatul Kubra Al Banat is present on this precious occasion. So I request for you all to be attend today on this precious occasion. It is very much thanks to Almighty Allah due to mercy and grace on us. That's why we are present in this precious occasion. Now, without taking much time, I next call upon our student of Jamia, Ms. Javed Dolesher Washrafi, to recite a manqabat. Aane wale hai, ishaan wale hai, panjati nishaan wale hai. Yeah.